हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, चक्कर आने पर करें उपचार। आइए देखते हैं इसके बारे में। यदि आपको चक्कर आते हो तो उसका घरेलू उपचार कैसे करें। मुनक्का, 30 ग्राम मुनक्का घी में सेक कर सेंधा नमक डालकर खाने से चक्कर आने बंद हो जाते हैं। आंवला, गर्मियों में यदि चक्कर आते हो, जी घबराता हो तो आंवले का शरबत पिए, इससे भी चक्कर आने बंद हो जाएंगे। काली मिर्च, 12 काली मिर्च कूट कर घी में तले, घी निथार कर इसमें गेहूं का आटा सेक कर गुड़ या शक्कर डालकर हलवा बनाएं, उसमें तली हुई काली मिर्च डालकर सुबह शाम भोजन से पहले खाएं, चक्कर आने बंद हो जाएंगे। धनिया, सिर में चक्कर आने पर सूखा धनिया 4 चम्मच एक ग्लास पानी में उबालकर छानकर मिश्री मिलाकर पिएं, चक्कर आने बंद हो जाएंगे। तुलसी, तुलसी के पत्तों का रस चीनी में मिलाकर पीने से चक्कर नहीं आते हैं। शक्कर, 2 चम्मच शक्कर और 2 चम्मच पीसा हुआ धनिया मिलाकर चबाने से चक्कर आने बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।